बायोग्राफी का नाम है विराट कोहली, जिसे लिखा है आशा शुक्ला जी ने, और मैं हूँ हरीश दर्शन शर्मा। कुकु एफएम, सुने जो मन चाहे। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनके हौसलों में दम होता है और वह दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की ठान लेते हैं। ऐसे लोगों को सफलता के शिखर पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। इस पॉपुलर शख्सियत का नाम है विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे देश की शान है, गौरव है। आज आपको हम इनकी जिंदगी के बारे में, उनके कैरियर के बारे में और उनके सराहनीय काम के बारे में बताएंगे। विराट कोहली क्रिकेट जगत के जगमगाते सितारे हैं। इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अपनी कप्तानी में इन्होंने क्रिकेट को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। विराट कोहली मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के मध्यम गति तेज गेंदबाज भी हैं। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में उत्तम नगर में हुआ था। इनके पिता प्रेम कोहली वकील थे और माता का नाम सरोज कोहली है, एक गृहिणी है। इनका बचपन का निक नेम चीकू है। यह 3 बहन भाई हैं। इनके बड़े भाई का नाम विकास है और इससे बड़ी बहन का नाम भावना है। यह सबसे छोटे हैं। क्रिकेट से इनका लगाव पैदाइशी था। जब वे 3 साल के थे तभी उन्होंने बैट हाथ में थाम लिया था। यह बैटिंग करते थे और अपने पिता को बॉलिंग करने के लिए कहते थे। उत्तम नगर में ही विराट कोहली बड़े हुए। इनकी पढ़ाई उत्तम नगर के विशाल भारती पब्लिक स्कूल में हुई। 1998 में जब यह मात्र 9 वर्ष के थे तभी उनके पिता ने उन्हें पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी में दाखिल करवा दिया था। अब आप सोचेंगे कितनी छोटी उम्र में क्रिकेट अकादमी में एडमिशन। इसके पीछे बात यह थी कि इनको खेलते हुए पड़ोसी ने देखा तो कहा कि आप गली में इसका समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि किसी एकेडमी में प्रशिक्षण दिलवाइए। बस यह बात इनके पिता के मन में घर कर गई और उन्होंने एक हीरे को तराशने के लिए क्रिकेट अकादमी में भेज दिया। राजीव कुमार शर्मा ने विराट कोहली को प्रशिक्षण दिया और इन्होंने सुमित डोगरा अकादमी में मैच भी खेला। खेलों के साथ ही विराट कोहली पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उनके टीचर उन्हें होनहार और बुद्धिमान बच्चा कहते थे। विराट कोहली सबसे पहली बार अक्टूबर 2002 में दिल्ली अंडर 15 के लिए 2002-03 पाली उमरीगढ़ ट्रॉफी में खेले थे। उन्होंने उस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए 34.40 की औसत से 172 रन बनाए थे और उस समय सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। वह 2003 और 2004 में पाली उमरगिर ट्रॉफी के लिए टीम के कप्तान बनाए गए और फिर उन्होंने 4 पारियों में 78 की औसत से 390 रन बनाए, जिनमें 2 शतक थे, 2 अर्धशतक थे। वर्ष 2004 के अंत तक उन्होंने क्रिकेट में काफी प्रगति की। उनको विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलना था। इसके लिए उन्हें अंडर 17 क्रिकेट टीम का सदस्य बनाया गया था। इस सीरीज में 4 मैच थे। इसमें उन्होंने 450 से ज्यादा रन बनाए थे और एक मैच में तो 251 रन नॉट आउट बनाए थे। आर्थिक 2005 में जब यही विजय मर्चेंट ट्रॉफी का आयोजन फिर से हुआ तो उससे उन्होंने सुर्खियां बटोरी। 7 मैचों में 751 रन बनाकर उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली का रन औसत था 84.11 और इसमें उन्होंने 2 शतक भी लगाए थे। विराट कोहली की मेहनत और लगन उनको सफलता दिला रही थी। अपनी लगन से सफलता के कदम पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने जुलाई 2006 में अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ियों में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली, जिसमें उन्हें इंग्लैंड जाना था। यह उनका पहला विदेशी टूर था। इंग्लैंड में उन्होंने 3 वनडे मैचों में 105 रन बनाए थे। इसी टूर में टेस्ट मैच में 49 रन की औसत से रन बनाए थे। दोनों सीरीज में भारत उस वर्ष विजयी हुआ था। धुआंधार बैटिंग को देखते हुए अंडर 19 क्रिकेट में विराट को एक स्थायी खिलाड़ी के रूप में रख लिया गया। जब दौरा समाप्त हुआ तो उस टीम के कोच लालचंद राजपूत विराट कोहली से बहुत प्रभावित हुए थे
और उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि कोहली ने गति और स्पिन दोनों के खिलाफ मजबूत तकनीकी कौशल दिखाया। सितंबर में भारत की अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां कोहली ने अपना कौशल दिखाते हुए 58 और वनडे सीरीज में 41.66 की औसत से रन बनाए थे। नवंबर 2006 में विराट कोहली की उम्र 18 साल की थी और इस उम्र तक आते आते उन्होंने बहुत प्रगति कर ली। उन्हें तमिलनाडु के खिलाफ दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शामिल किया गया और अपनी पहली पारी में उन्होंने 10 रन बनाए। फिर उनके जीवन में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई जिसने उनको हिला कर रख दिया और उनके जीवन में भूचाल सा आ गया, और वह दुखद घटना थी उनके पिता की मृत्यु। 18 दिसंबर 2006 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। बहुत दिनों तक वह बीमार रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन दिनों को याद करते हुए कोहली ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा। उन्होंने युवा दिनों में ही अपने पिता को खो दिया, जिससे पारिवारिक व्यापार भी डगमगा गया था। इस वजह से उन्हें किराए के रूम में भी रहना पड़ा। विराट कोहली उस समय सुर्खियों में आए जब उनके पिता का निधन हुआ था। उस समय वे कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली के लिए खेल रहे थे। उन्होंने ऐसे समय में हौसला नहीं खोया और 90 रनों की पारी खेली। आउट होने के बाद वे सीधे पिता के अंतिम संस्कार के लिए चले गए थे। खेल के प्रति ऐसा समर्पण कम देखने को मिलता है। सचिन तेंदुलकर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली के कप्तान मिथुन मन्हास ने कहा, यह टीम के लिए एक महान प्रतिबद्धता का कार्य है। इनकी पारी महत्वपूर्ण है। इनके कोच चेतन चौहान ने भी कोहली की प्रशंसा करते हुए उनके रवैये और दृढ़ संकल्प की सराहना की थी। विराट कोहली की मां ने कहा था, विराट में उस दिन के बाद से बहुत बदलाव देखे हैं। इसके बाद उन्होंने हर मैच को गंभीरता से लिया था। उन्होंने उस सीजन में 6 मैचों में 36.71 की औसत से कुल 257 रन बनाए थे। विराट कोहली ने अप्रैल 2007 में 2020 की शुरुआत की और इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप में 35.80 की औसत से 179 रन बनाए और फिर से अपनी टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। जुलाई अगस्त 2007 में भारत की अंडर 19 टीम में श्रीलंका का दौरा किया था। यह त्रिकोणीय सीरीज थी जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया की अंडर 19 टीमें थी। इस त्रिकोणीय सीरीज में कोहली ने 5 मैचों में 146 रन बनाए और इसके साथ ही वे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई जिसमें उन्होंने 122 के औसत से 244 रन बनाए। इन रनों में एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था। फरवरी मार्च 2008 में मलेशिया में 2008 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ। इसमें भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे। टीम को विजय हासिल हुई। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 6 मैचों में 47 की औसत से 235 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले और टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले 3 बल्लेबाजों में से एक रहे। वेस्टइंडीज अंडर 19 के खिलाफ ग्रुप स्टेज ने विराट कोहली की 74 गेंदों में 100 रनों की पारी को PN क्रिंकीफो इनिंग ऑफ द टूर्नामेंट माना था। इसमें भारत को 50 रनों से जीत मिली थी और कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। विराट कोहली को इस मैच के दौरान पैर में चोट आई थी, लेकिन वे इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत मिली, जिसमें विराट कोहली का बड़ा योगदान था। इस मैच में उन्होंने 27 रन देकर 2 विकेट लिए थे और 43 रनों की पारी खेली थी। इस मैच में भी वे मैन ऑफ द मैच घोषित हुए थे और फिर उसके बाद फाइनल में दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ 19 रन बनाए, जिसमें भारत ने डकवर्थ लुइस के नियम से 12 रनों से जीता था। SPN क्रिक इन्फो ने टूर्नामेंट के दौरान गेंदबाजी परिवर्तन करने के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की। करियर अपने सुनहरे पथ पर बढ़ रहा था।
अंडर 19 विश्व कप के बाद कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा $30,000 में खरीदा गया था। उसके बाद जून 2018 में कोहली और उनके अंडर 19 टीम के सदस्य साथी प्रदीप सांगवान और तन्मय श्रीवास्तव को बॉर्डर गावस्कर छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। इस छात्रवृत्ति ने 3 खिलाड़ियों को ब्रिस्बेन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उत्कृष्टता केंद्र में 6 सप्ताह तक प्रशिक्षण देने की अनुमति दी। फिर आया और भी अच्छा दौर, जब उन्हें जुलाई 2008 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की 30 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी सितंबर 2008 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाली थी। विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में 4 टीम इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट के लिए इंडिया इमर्जिंग प्लेयर्स टीम में भी चुना गया। उस समय वे टूर्नामेंट में अपने सर्वोत्कृष्ट फॉर्म में थे और 6 मैचों में 41.20 की औसत से 206 रन बनाए थे। 2010 में जिम्बाब्वे में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेली गई, जिसमें विराट कोहली को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। जब अन्य सभी पहली पसंद के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया, इसी श्रृंखला में वे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए। उन्होंने 47.38 की औसत से 25 मैचों में 995 रन बनाए, उनमें 3 शतक शामिल थे और 2010 में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। जून 2010 में विराट कोहली को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। कोहली रैना से अधिक पसंदीदा खिलाड़ी थे और अपने पदार्पण मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। उन्होंने युवराज सिंह के साथ 122 रनों की साझेदारी की थी और 59 रन बनाए थे। तीसरे विकेट गौतम गंभीर के साथ थी। यह फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ अपने रनों का पीछा करते हुए जीत दिलाने में सहायक बनी। उन्होंने 2011 में विश्व कप में 9 पारियों में 282 रन बनाए। वर्ष 2011 में भारत ने वेस्टइंडीज का दौरा किया, इसमें गई टीम अनुभवहीन थी। इस टीम में सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग नहीं थे, उन्हें चोट के कारण बाहर किया गया था। टेस्ट टीम में आए 3 नए खिलाड़ियों में से विराट कोहली भी थे। भारत ने टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली, लेकिन इसके लिए विराट कोहली को अपने कैरियर की शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष मुख्य रूप से छोटी गेंदों के खिलाफ था। इस दौर में उन्होंने 5 पारी में सिर्फ 76 रन बना पाए। कोहली के लिए इस श्रृंखला में सबसे बड़े सिरदर्द बने तेज गेंदबाज फिटेल एडवर्ड्स, जिन्होंने उन्हें इस श्रृंखला में कुल 3 बार आउट किया। इसके बाद भारत ने 2011 में वेस्टइंडीज का दौरा किया, इसमें उन्हें अंतिम मैच के लिए चुना गया था। भारत ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। भारत ने वनडे सीरीज 4-1 से जीती और कोहली 117 उच्चतम स्कोर के साथ 60.75 की औसत से 243 रन बनाने में सफल हुए। विराट कोहली को दिसंबर 2011 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया। पहले टेस्ट के बाद से ही उन्होंने अपनी स्थिति खतरे में महसूस की और दूसरे टेस्ट के दौरान उन्होंने ग्राउंड में प्रशंसकों पर अपना गुस्सा उतारा, जो उनका अपमान कर रहे थे। इसके लिए उन्हें मैच फीस का 50% जुर्माना भी भरना पड़ा। सन 2012 में एशिया कप के लिए भारतीय वनडे टीम का उन्हें कप्तान बनाया गया। उन्होंने एशिया कप 2012 के 5वें मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 गेंदों पर 183 रन बनाए। 0-1 के स्कोर पर आकर उन्होंने 330 के एक रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए 22 चौके और एक छक्का मारकर भारत का मुकाबला जिताया था। विराट कोहली का वनडे मैचों में यह उच्चतम स्कोर है और एशिया कप में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है। यह पारी वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पारी है। इसमें उन्होंने पिछले रिकॉर्ड ब्रायन लारा के 156 रन रिकॉर्ड को तोड़ा था। 2012 में न्यूजीलैंड का दौरा हुआ, इसमें 2 टेस्ट मैच विराट कोहली ने 106 के औसत से 212 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। 2015 के क्रिकेट विश्व कप के पहले ही मैच में कोहली 107 रन बनाकर आउट हुए। पूरी टूर्नामेंट में इन्होंने 305 रन बनाए थे। 2016 में भारत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया,
यहाँ पर सीमित ओवरों के दौर में पहले दो वनडे में 91 और 59 रन बनाए। उन्होंने अगले दो मैचों में 2 शतक जड़े। इस श्रृंखला के दौरान वे दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, जिसने वनडे में 7000 रन पार किए, जो उन्होंने 161वीं पारी में हासिल किए। इसमें 25 शतक थे। इसके बाद 2016 में उन्होंने वेस्टइंडीज का दौरा किया, जिसमें पूरी श्रृंखला में कुल 251 रन बनाए, जिसमें उनका दोहरा शतक शामिल है। और इनकी कप्तानी में भारत ने यह संख्या 2-0 से जीती। 2016 में हीरोइन इंग्लैंड का दौरा किया। 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में विराट कोहली 1 सटकर दोहरे शतक के साथ 655 रन बना चुके हैं। विराट कोहली ने 4000 टेस्ट रन बनाए, जबकि 2000 रन कप्तान के तौर पर बनाए। अक्टूबर 2017 में कोहली ने अपना 71वां वनडे शतक बनाते हुए 201 दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा 8888 रन बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ औसत 55.55 और किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा 31 शतक का नया रिकॉर्ड बनाया। 2018 में 3 T20 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 5 अगस्त को कोहली ने ICC टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ को पछाड़ते हुए नंबर 1 रैंक हासिल की। इस उपलब्धि के लिए सचिन तेंदुलकर के बाद वे 7वें भारतीय बल्लेबाज बने। ODI सीरीज के दौरान 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली 12वें बल्लेबाज बने और 10,000 ODI रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। विराट कोहली ने 205 पारी के साथ यह मुकाम हासिल किया, जो सचिन तेंदुलकर के अगले सबसे तेज स्थान से 54 पारी कम है। 10,000 रन पार करने के बाद कोहली का औसत 59.62 है और 10,000 क्लब के सदस्यों में सबसे अच्छा औसत है। 27 अक्टूबर को अपने 38वें ODI शताब्दी के स्कोर के बाद कोहली वनडे मैचों में 3 लगातार शतक लगाने के लिए भारत के पहले बल्लेबाज और पहले 10वें स्थान पर रहे। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के पहले दौर में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते आ रहे हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान भी हैं। 2016 इंडियन प्रीमियर लीग में इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें उनके एक ही संस्करण में 4 शतक शामिल हैं। साथ ही 2016 के अंतिम संस्कार में ऑरेंज कैप के विजेता भी विराट कोहली ही रहे। आइए हम आपको विराट कोहली को मिलने वाले पुरस्कार के बारे में जानकारी देते हैं। यूं तो क्रिकेट जीवन को समर्पित इस सितारे के पुरस्कारों की कोई गिनती ही नहीं आए, लेकिन मुख्य मुख्य पुरस्कार ही बताना संभव है। 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2018 में इन्हें सर गौरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्राप्त हुई। 25 सितंबर 2018 में विराट कोहली को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके पहले यह सम्मान 2 क्रिकेटरों को ही हासिल हुआ है, 1997 में सचिन तेंदुलकर को और 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को। इसके उपरांत यह पुरस्कार विराट कोहली को ही प्राप्त हो पाया है। विराट कोहली को 2018 में ICC पुरस्कारों में जलवा दिखा। उन्हें सभी प्रारूपों में ICC का पुरस्कार प्राप्त हुआ। टेस्ट, वनडे और अन्य प्रारूपों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जीता। 2018 का साल विराट कोहली के लिए बहुत ही खुशनुमा रहा। इन्हें सर गॉलफ्रिड सोबर्स ट्रॉफी के साथ ही ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया। इसके अलावा विराट कोहली लगातार दूसरे वर्ष ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। इस प्रकार से ये पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने एक साथ इतने सारे पुरस्कारों पर अपनी बादशाहत कायम की। 2019 में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल हुआ। विराट कोहली का फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ 2013 से प्रेम संबंध चला आ रहा था। 11 सितंबर 2017 को इटली के मिलान नगर में दोनों ने शादी कर ली। विराट कोहली ने कई वेलफेयर काम किए हैं। 2013 में विराट कोहली फाउंडेशन यानी VKF नामक चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत की। यह वंचित बच्चों की मदद के लिए था। मई 2014 में ईवे और सेव द चिल्ड्रन इंडिया ने VKF के साथ दान नीलामी।
इसकी आय वंचित बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल को दी। अपने तेज तर्रार स्वभाव के लिए विराट कोहली विवादों के गहरे में भी आ जाते हैं। कभी अपने ही साथियों पर कड़े शब्दों में बोल देने के लिए तो कभी आक्रामक रुख अपनाने के लिए। नवंबर 2018 के उनके ऐप के लॉन्च के दौरान उनकी आलोचना की गई, जब उन्होंने अपने प्रशंसक से भारत छोड़ने के लिए कहा था कि यदि उन्हें विदेशी चीजें और विदेशी खिलाड़ी ही पसंद है तो भारत छोड़ दे। हर्ष भोगले और अभिनेता सिद्धार्थ सहित कई लोगों ने इस मूर्खतापूर्ण वक्तव्य की आलोचना की थी। कोहली ने आलोचना का जवाब दिया था, वह ट्रोल होने के लिए टिकेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में कोहली थोड़ा अंधविश्वासी भी है। क्रिकेट में अंधविश्वास के रूप में भी काले रंग का धागा कलाई पर पहनते थे। पहले वह वही दस्ताने पहनते थे जिसके साथ वो अधिक रन बनाते थे। 2012 से वह दाहिने हाथ पर कड़ा भी पहन रहे हैं। विराट कोहली ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब से बहुत प्रभावित है। वे मानते हैं कि इस किताब ने उनका जीवन के प्रति नजरिया बदला है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी स्वामी योगानंद परमहंस की प्रसिद्ध जीवनी है। हमें अपने देश की शान इस क्रिकेट के जगमगाते सितारे पर गर्व है, अभिमान है। ईश्वर उनको सफलता की और ऊंचाइयां प्रदान करे, हम यही कामना करते हैं।